दोस्तों वनडे क्रिकेट में एक शतक प्राप्त करना भी बड़ी उपलब्धि माना जाता है। क्रिकेट में बहुत से महान खिलाड़ी हैं जो एक अंक के शतकों के साथ सेना बरतते हुए हैं। 20 से ज्यादा शतक आपकी विशेष प्रतिभा होते हैं और 25 शतकों के लिए केवल प्रतिभा की ही आवश्यकता नहीं होती बल्कि रन स्कोरिंग में स्थिरता और लगातार रनों की जरूरत होती है और ये हर बल्लेबाज का अलग अलग होता है। अब ये तो बल्लेबाज पर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी अपने 25 शतक पूरे करे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको वनडे क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 25 शतक लगाने वाले 6 शानदार बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। कुमार संगकारा। श्रीलंका के पूर्व महान बल्लेबाज कुमार संगकारा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। इस सूची में सबसे तेज 25 शतक लगाने में वे छठे स्थान पर हैं। वे 378 पारियों में इस मील के पत्थर तक पहुंचे। संगकारा के आखिरी 4 शतक ICC विश्व कप 2015 में आए जहां उन्होंने लगातार 4 मैचों में 4 शतक बनाने का अनूठा विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 105, इंग्लैंड के खिलाफ 117, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 104 और स्कॉटलैंड के खिलाफ 124 रन बनाए थे। विश्व कप 2015 में श्रीलंका की यात्रा के अंत में 404 मैचों में संगकारा अपने नाम पर 25 शतक और 14,234 रनों के साथ एक दिवसीय क्रिकेट से अलविदा हुए। सनत जयसूर्या। जयसूर्या इस लिस्ट में 5वें पायदान पर हैं। जयसूर्या ने ICC विश्व कप 2007 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 373वें मैच में अपना 25वां एक दिवसीय शतक लगाया था। उन्होंने 115 रन बनाकर श्रीलंका को 303 रन बनाने में मदद की और फिर 38 रन पर 3 विकेट लेकर श्रीलंका के लिए मैच जीत लिया। श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज को सबसे खतरनाक एक दिवसीय सलामी बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1996 विश्व कप के दौरान गेंदबाजी के पहले 15 ओवरों में खेल कैसा होता है इसका तरीका ही बदल दिया और श्रीलंका को विश्व चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सनत जयसूर्या 2011 में 13,430 रनों के साथ 445 मैचों में अपने नाम पर 28 एक दिवसीय शतकों के साथ विदा हुए। रिकी पॉन्टिंग। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने 279 पारी में 25 एक दिवसीय शतक बनाए। उनका 25वां शतक 2007 में न्यूजीलैंड के खिलाफ था और उन्होंने नाबाद 134 रन बनाए थे। पॉन्टिंग को आधुनिक युग के बल्लेबाजों में से एक माना जाता है और वे ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन कप्तान थे। उन्होंने 2002 में स्टीव वॉ से पदभार संभाल लिया और अगले ही दशक में ऑस्ट्रेलिया ने एक दिवसीय सफलता की चोटी पर कब्जा कर लिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने 2 एक दिवसीय विश्व कप जीते और कई रिकॉर्ड भी तोड़े। पॉन्टिंग 2012 में 375 मैचों में 30 एक दिवसीय शतक लगाकर विदा हुए। उन्होंने अंतिम मैच विश्व कप 2011 में क्वार्टर फाइनल खेला था, इसमें ऑस्ट्रेलिया भारत से हार गया था। पॉन्टिंग इस लिस्ट में 4थे पायदान पर है। सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 25 शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 234 पारियों में 25वां एक दिवसीय शतक पूरा किया था। सचिन ने 2012 में संन्यास लेने से पहले 464 मैचों में 18,426 रन और 49 एक दिवसीय शतक लगाए थे। सन 2000 में वडोदरा में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अपने करियर का 25वां एक दिवसीय शतक लगाया था। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 282 रन बनाए थे। सौरव गांगुली के 87 और सचिन के 122 रन के बावजूद भारत ने ये मैच तब जीता था जब केवल एक गेंद बची थी। विराट कोहली। विराट कोहली इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 162 पारियों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4थे वनडे में शानदार शतक लगाकर जीत के लिए 349 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ये कारनामा किया था। उनकी इस वीरता के बावजूद भारत 25 रन से ये मैच हार गया था। कोहली पहले ही अपनी बल्लेबाजी के साथ महान साबित हुए हैं और विशेष रूप से लक्ष्य का पीछा करने में केवल भविष्य ही बताएगा कि ये शानदार भारतीय बल्लेबाज और एक दिवसीय कप्तान कितने रिकॉर्ड बनाता है। हाशिम अमला। दाएं हाथ के इस अफ्रीकी बल्लेबाज ने अपने वनडे करियर का 25वां शतक पूरा करने के लिए कुल 151 पारियां खेली। अब अमला वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 25 शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं।
इस मामले में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अम्ला से पहले वनडे में सबसे तेज 25 शतक पूरा करने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने 162 पारियों में ये कारनामा किया था। अब अम्ला ने कोहली के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है और वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारियों में अपने 25 वनडे शतक पूरे करने वाले अम्ला पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।